एवरेज अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, इंडियन ब्रांड है और आने वाले टाइम में उम्मीद करते हैं इसकी रीसेल वैल्यू भी बहुत अच्छी होगी। तो इसलिए अगर आप टाटा को परचेज करना चाहते हैं, कोई टाटा कार लेना चाहते हैं, तो गो फॉर इट। वैल्यू फॉर मनी है और परफॉर्मेंस के अंदर बहुत अच्छी है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक क्रिस्टल कार्स की एक और नई वीडियो में। और आज हमारे पास है टाटा टिगोर और टिगोर का 3 साल का रिव्यू दिखाते हैं आपको। पूरा 3 साल हो गए हैं गाड़ी को, करीब 28-29 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चली है। और इसमें क्या प्रोज हैं, क्या कौनस हैं, क्या प्लस हैं, क्या माइनस हैं, पूरी की पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। ये है टाटा टिगोर, 2018 मॉडल है और डीजल कार है, एक्सी मॉडल है, यानी बेस मॉडल है इसके अंदर जो आता है। और 3 साल ये कंप्लीट कर चुकी है मई के अंदर। इसके अंदर कोई ज़्यादा कमियां हमें नहीं दिखाई दी हैं 3 साल के अंदर। छोटे मोटे निशान वगैरह आप देख पा रहे हैं, ये तो रोड पे गाड़ी चलती है तो लगते ही हैं। और एसेसरीज भी इसमें कोई अभी ज़्यादा नहीं लगी है। इसका फ्रंट का जो टाटा का मोनोग्राम था वो कहीं निकल गया या किसी ने निकाल लिया है। इसके अलावा इसके अंदर फॉग लाइट आई नहीं थी, ये हमने बाहर से लगाए हैं, प्रोजेक्टर टाइप की एलईडी होती हैं ये। और अंदर इसके नॉर्मल लाइटें होती हैं, हैलोजन बल्ब, जिसको हमने एलईडी से चेंज किया है। बाकी ओवरऑल गाड़ी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, इतने साल में 3 साल से ज़्यादा चलाने के बाद इसके अंदर कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम आई नहीं है। खर्चा काफ़ी कम है और लुक वाइज तो गाड़ी अच्छी है ये अपनी सेगमेंट के अंदर। और फिर टाटा अपने आप में एक ब्रांड है। बैक साइड में डिक्की का इसका अपने आप ही में एक यूनिक स्टाइल है, कुछ अलग ही लगती है। गाड़ी ज़्यादा लंबी भी नहीं है लेकिन लुक वाइज फिर भी काफ़ी अच्छी लगती है ये। देखते हैं ये 3 साल के अंदर कितना चल गई है और एवरेज वगैरह इसने क्या निकाली है। ये डीजल कार है तो एवरेज इसकी डीजल के हिसाब से कैलकुलेट करना। और बाकी इसके अंदर बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक है और बेसिक होने की वजह से इसके अंदर स्टीरियो वगैरह लग के नहीं आया था, जो बाहर से लगाया गया है आफ्टर मार्केट। और इसके अलावा अगर आप देखें साइड गत्तों के अंदर, यहाँ पे इसमें एक आधा लीटर की बोतल रखने की जगह है। बेसिक कार है तो ये इसके मैनुअल हैं, ये थोड़े से अगर यहाँ होते तो बेटर होते लेकिन अच्छे हैं। अगर आप प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट बात करें, टाटा का अपने आप का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसकी बिल्ड क्वालिटी। ये आवाज़ आप देख सकते हैं, वैसे ये इसका प्लस पॉइंट ही है। अंदर बैठ के आपको फुल सेफ्टी फील होती है, ऐसा लगता है कि जैसे किसी अच्छी और मजबूत कार के अंदर आप बैठे हुए हैं। सीटिंग अगर आप देखें तो बहुत कंफर्टेबल है, सीटें काफ़ी अच्छी है, आप 200-300 किलोमीटर भी लगातार चला सकते हो। हमने चला के देखी है, बिल्कुल भी थकान नहीं होती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो गाड़ी के अंदर कोई कमी नहीं है, 3 साल चलाने के बाद भी हम कह सकते हैं कि गाड़ी अपने आप में बेस्ट है। आइए इसका चेक करते हैं। सबसे पहले इसमें कितने किलोमीटर ये चली है और एवरेज इसने अभी तक क्या दी है। स्टार्ट करते हैं गाड़ी को। डीजल कार होने की वजह से एक माइनस पॉइंट इसके अंदर अभी तक जरूर रहा है कि इसके अंदर कैबिन के अंदर नॉइज जरूर आता है इंजन का। हो सकता है अब इन्होंने BS6 इसके अंदर चेंज करके थोड़ा बेटर हो गया, और नई गाड़ी अभी तक चेक नहीं की है, लेकिन इंजन की परफॉर्मेंस में और माइलेज में एवरेज में उसमें कोई फ़र्क नहीं है, वो गाड़ी अपने आप में बेस्ट है। 3 साल में इसके अंदर कोई खास खर्चा नहीं हुआ है, खाली सर्विस के अलावा इसके अंदर और कुछ भी नहीं लगा है। सर्विस की जितने भी इसके अंदर टोटल कॉस्टिंग आई है उसकी भी डिटेल वीडियो आपको जल्दी ही देंगे। और बात करें अगर AC की तो वो अपने आप में बेस्ट है, बहुत अच्छा है। अगर AC का माइनस पॉइंट अगर हम बात करें तो वो ये है कि अगर आप इनमें से किसी एक को नहीं बंद कर सकते, अगर मान लो आप चाहो कि इसको बंद करना है, इधर वाले को नहीं चाहिए AC, तो आप सिर्फ इसको डाउन कर सकते हो, ये ऑफ नहीं होता है। अगर यहाँ एक बटन होता बंद करने के लिए तो और बेटर होता इस मॉडल के अंदर। बाकी ओवरऑल आप देख सकते हैं हर चीज़ के अंदर काफ़ी बेस्ट है। चलाने के अंदर इसके अंदर आपको 2 मोड मिलते हैं, अभी आप देख सकते हैं ये सिटी मोड पे है। सिटी मोड के अंदर जो है एवरेज थोड़ी सी कहते हैं कम हो जाती है, लेकिन गाड़ी के अंदर पावर रहता है, पिकअप रहता है काफ़ी अच्छी। और इसके बाद इसमें दूसरा मोड जो दे रखा है वो है ये इको मोड। इको मोड आप जैसे ही ऑन करते हैं तो ये आपका इको मोड पर आ जाता है।
इको मोड को आप हाईवे पे यूज़ कर सकते हो क्योंकि ज़्यादा आपको पावर का फ़र्क नहीं पता लगता है, लेकिन अगर आप सिटी में इसको यूज़ करते हो तो आपको काफ़ी डिफरेंस लगेगा क्योंकि पावर एकदम से कम हो जाती है और एसी की जो कूलिंग है वो भी थोड़ी डाउन हो जाती है इसकी वजह से। हाँ, लेकिन इसके अंदर एवरेज बढ़ जाती है इसको इको मोड पे यूज़ करने पे। बाकी 3 साल के अंदर एसी की में अगर हम देखें तो हमें सिर्फ इसका एक जो क्लीनिंग होती है उसके अलावा और कुछ नहीं करवाना पड़ा है। इसके अंदर अभी तक गैस भी नहीं डलवानी पड़ी और ये बहुत बढ़िया चल रहा है अब ये 3 साल कंप्लीट होने के बाद भी। अब बात करते हैं इसके माइलेज की, एवरेज इसने कितनी दी है। टोटल देखिए चल गई है ये 28,487 किलोमीटर और नेक्स्ट सर्विस का इसका टाइम हो गया जो हमने अभी तक लॉकडाउन की वजह से करवाई नहीं है, वो भी जल्दी करवाएंगे। और अभी लास्ट जो इसकी ट्रिप सेट की थी वो 90 किलोमीटर चलाई थी सिटी के अंदर और इसने एवरेज दी है 15.1 kmpl किलोमीटर पर लीटर की। और इसका जो मेन मीटर था वो पहले रिसेट हो गया था जो हमने फुल अभी तक किया था, लेकिन उसके बाद हमने 7303 चलाई है ट्रिप बी सेट करके और 18 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज दी है जिसके अंदर सिटी भी है और हाईवे भी है। तो बेसिकली अगर आप बात करो सिटी में, दिल्ली जैसी सिटी में जहाँ जगह जगह जाम लगे होते हैं वहाँ पे ये करीब एवरेज दे देती है 15 से 17 के बीच में आराम से। और अगर बात हाईवे पे करें तो 20, 22, 23 तक की एवरेज भी डीजल के अंदर बड़े आराम से निकाल देती है अकॉर्डिंग टू मीटर। हालांकि मीटर की एक्यूरेट आप नहीं कह सकते, थोड़ी सी इससे कमी होती है जो मीटर के अंदर दिखाई देती है। तो ये है आप एवरेज। और अगर आप ओवरऑल इसको देखें तो एक फुल पैकेज है गाड़ी क्योंकि रेट भी अच्छे हैं और ब्रांड भी फिर अपने खुद के हैं, इंडियन ब्रांड है, तो इससे बेस्ट और क्या हो सकता है। और एटलीस्ट बात करें कि अगर आप ये गाड़ी लेना चाहते हो कि लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो हम कहेंगे बिल्कुल लेनी चाहिए। जब हमने लेने की सोची थी तो हमें उस टाइम पे 2018 में बहुत लोगों ने मना किया था कि आप मारुति सुजुकी के लिए जाए या वैगनार लीजिए या तो डिज़ायर लीजिए, लेकिन हमने फिर भी टैगोर ली थी अपने पर्सनल रिस्क पे कि देखी जाएगी जो होगा, इंडियन ब्रांड है। लेकिन हम आज कह सकते हैं कि हमें इसके अंदर कोई भी ऐसा माइनस पॉइंट नहीं दिखा, बल्कि हम इससे बिल्कुल सेटिस्फाई हैं। और हमें सिर्फ मेड इन इंडिया को ही नहीं, हमें मेड इन इंडिया ब्रांड को भी सपोर्ट करना ही चाहिए। तो ये गाड़ी क्यों नहीं लेनी चाहिए, इसके पीछे लोग कुछ वजह देते हैं कि इसकी रीसेल वैल्यू नहीं है। हालांकि पहले टाटा पे लोगों को विश्वास कम था, इस समय पे बहुत विश्वास है। नई टाटा टियागो, टैगोर, नेक्सॉन, एल्ट्रोज बहुत बिक रही है, तो आने वाले समय के अंदर मे बी 2021 के एंड तक या 22 में 23 में टाटा की रीसेल वैल्यू अच्छी हो जाएगी क्योंकि लोग अब अच्छी पुरानी गाड़ियाँ ढूंढ रहे हैं जो उनको अच्छे रेट पर मिल जाएं। क्योंकि नई गाड़ी का ही रेट अच्छा है तो पुरानी गाड़ी तो और भी अच्छे रेट पर मिल जाएगी। ये अपने आप में इसका एक प्लस पॉइंट है जो आप कंसिडर कर सकते हैं कोई भी गाड़ी परचेज़ करते हुए। और अगर आप टाटा की कोई कार ख़रीदना चाहते हो और आप कंफ्यूजन में हो, तो कंफ्यूजन में रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्वालिटी बहुत बढ़िया है और लेने के लिए अगर आपको कुछ प्लस पॉइंट चाहिए तो इसके अंदर काफ़ी प्लस पॉइंट हैं। सबसे मेन पॉइंट है कि इंडियन ब्रांड है, तो आपको एक भारतीय ब्रांड को सपोर्ट करना चाहिए। और टाटा तो एक ऐसी कंपनी है जो हर चीज़ के अंदर देश को सपोर्ट करती है, तो हमें भी करना ही चाहिए एक ऐसे ब्रांड को सपोर्ट जो ऑलरेडी देश के लिए बहुत कुछ करती है। दूसरा, इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। अंदर गाड़ी के अंदर बैठ के आप खुद सेफ़ फील करते हो, आपको लगता है कि जैसे इस मॉडल के अंदर अगर बात करें तो एयरबैग नहीं है, हालांकि होने चाहिए, ये कंसर्न है हर गाड़ी के अंदर, एयरबैग तो कंपलसरी होने चाहिए कम से कम दो, तो इसके अंदर एयरबैग नहीं है। लेकिन फिर भी हाईवे पे या कहीं पे भी चलते हुए ऐसा डर फील नहीं होता। जो टाटा की बिल्ड क्वालिटी है वो अपने आप में कितनी अच्छी है, और बहुत एक्सीडेंट हुए हैं जिनके अंदर टाटा ने या टाटा की गाड़ियों ने लोगों की बहुत जान बचाई है। ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट के अंदर इसने 4 स्टार लिए हैं जो इसके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। 3 साल पहले गाड़ी के अंदर जितने भी आइटम आई थी लगभग आज भी सारी इसके अंदर वैसी की वैसी हैं, किसी भी चीज़ के अंदर कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। खाली LED हमने वो पर्सनल रीज़न की वजह से चेंज की है, उसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और टायर भी वही के वही हैं, ब्रिजस्टोन के टायर इसके साथ आए थे। हाँ, XC मॉडल होने की वजह से इसके अंदर R13 यानी कि 13 इंच के रिम थे और इसके ऊँचे मॉडल के अंदर 14-15 इंच तक जाता है। और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो उसमें तो टाटा है ही अपने आप में खास। ये देखिए कि यहाँ से गाड़ी थोड़ी झूल गई थी और फिर भी इसका कुछ नहीं बिगड़ा है। टाटा के बारे में अगर आपकी कोई और क्वेरीज है, टैगोर या टियागो सेम ही होती हैं, खाली डिक्की का फ़र्क है। अगर आपकी कोई और क्वेरीज है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके बाद इसके अंदर कई ऐसी वीडियो आने वाली हैं जिसके अंदर हम आपको इसकी और डिटेल्स देंगे, इसकी अभी तक सर्विस के अंदर कितना कॉस्ट आया है उसकी डिटेल भी हम नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर आपको देंगे। और बाकी जो कुछ भी है इसका मॉडिफिकेशन जो होगा उसकी वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगी।
कार और कार एसेसरी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो आपको हमारे चैनल पे ऑलरेडी मिल जाएंगी, और इसके अलावा कार रिव्यूज़ की बहुत सारी वीडियो इस चैनल पे आने वाली हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल के सपोर्ट के लिए आप सब्सक्राइब का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आने वाली वीडियो के फास्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। जय हिंद।